बच्चों आज हम क्या करेंगे, क्लास SST का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, मैप्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैप्स आर ड्रॉ अकॉर्डिंग टू ए डेक्स। और बच्चों ये होगा लीजेंड, LEGEND। ओके, उसका मतलब टेक्स्ट कलर सब कुछ होता है। नेक्स्ट होगा डिरेक्शन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेक्स रीडिंग, मैप रीडिंग, ये होगा मैप रीडिंग। मैप डिस्टोर्ट द शेप एंड साइज ऑफ द डेक्स लैंड फॉर्म्स। ओके, ये बुक ऑफ मैप इज को ऑल्सो नोन एज, ये होगा एटलास। ये ग्लोब इज ए डेक्स ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए बुक ऑफ मैप इज नोन एज एटलास, द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है। द नेटवर्क ऑफ रोड इन ए सिटी और कंट्री, रोड मैप होगा। ओके, ए मॉडल ऑफ द अर्थ दैट गिव्स एन एक्यूरेट आइडिया अबाउट इट इज ए ग्लोब, ये होगा बच्चों ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब, बच्चों ग्लोब का लिमिटेशन लिखना है। ओके, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द लिमिटेशन ऑफ द ग्लोब आर, ए ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन, बच्चों ग्लोब डिटेल इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता है। ए स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी एनलार्ज ऑन ए ग्लोब, बच्चों ग्लोब में जो हम स्पेसिफिक एरिया देख नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ए ग्लोब, फीचर्स ऑफ ए ग्लोब। ओके, ये क्या होगा, ये ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ, वी कैन ओनली सी द हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम, बच्चों हम एक टाइम में सिर्फ हाफ ग्लोब का आधा पार्ट देख पाएंगे। ओके, वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ, अगर हम ग्लोब को रोटेट करेंगे तो ग्लोब का दूसरा पार्ट हम देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम मेन डिरेक्शन एंड सब डिरेक्शन, बच्चों मेन डिरेक्शन के बारे में लिखना है और सब डिरेक्शन लिखना है। मेन डिरेक्शन क्या क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये है मेन डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये है सब डायरेक्शन। ओके,